फाइन स्टूडेंट, तो यूनियन बजट 2024 एंड 25 ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम लोग टैक्सेशन जो प्रपोजल है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और इसमें टेक्निकल चीज़ आपको नज़र आएगा, समझे, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे प्रोग्राम और पॉलिसीज, अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स, करेक्ट। तो इसमें हम लोग टैक्सेशन से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। देखो, तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा कि कस्टम्स ड्यूटी जो है वो चेंज किया गया। बच्चे लोग, मैंने बताया ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो भारत में जो सामान प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, जब ट्रेड करते हो, बेचते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो जो टैक्स लगता है, यदि इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुआ हो उसके ऊपर यदि कोई टैक्स लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यदि सामान बाहर से आ रहा है और टैक्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटी। डैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग कस्टम्स ड्यूटी के बारे में जानने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। जानते हो कि अभी कुछ साल पहले, तीन कह सकते हो कि 2-3 ईयर्स में, भारत सरकार ने PLI पे बहुत ही जोर दिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कि अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग हो सके। एंड 14 सेक्टर को सेलेक्ट भी किया था, और जो लास्ट सेक्टर था तुम्हारा, वो तुम्हारा उससे ड्रोन से रिलेटेड था, इफ़ आई एम करेक्ट, ड्रोन से रिलेटेड था, जो कि हम लोग पिछले इकोनॉमिक सर्वे सब में भी किए हैं। एनीवे, तो बहुत सारा सेक्टर तुम्हारा PLI स्कीम में है। तो आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को क्या बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, भारत में ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो उसके लिए भारत सरकार कर क्या रही है कि जो कस्टम ड्यूटी है, जो पहले ऑन एन एवरेज 14% लगता था, उसको बढ़ा के भारत सरकार ने 18% कर दिया। तो जो कि बहुत सारे क्रिटिक्स लोग, जो जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि ये गलत बात है, ये पूरा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो लेथार्जी हो जाएगा। ये भी वन पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है, मगर एट द सेम टाइम आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाना है तो कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी को ही बढ़ा के बचा सकते हो। तो रिसेंट टाइम में, यानी कि 2-3 साल में ये देखने को मिला है विद्यार्थी लोग, कि जो एवरेज जो कस्टम ड्यूटी था वो 14% से बढ़ा के 18% कर दिया गया, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इन ऑर्डर टू क्रिएट द डोमेस्टिक इकोसिस्टम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए भी ये किया गया। और हम जानते हैं कि चलो ये तो हो गया कस्टम, मगर बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका कस्टम ड्यूटी बहुत कम भी किया गया, जो चीज़ हमें चाहिए। जैसे मान लो कि सोलर पैनल से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो इंडिया यदि एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहता है, यदि इंडिया जस्ट ट्रांजिशन करना चाहता है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति मेहनत एफर्ट दिखाना चाहता है, तो उस समय जो भी सोलर पैनल से बना हुआ चीज़ है उसका कस्टम ड्यूटी कम करना पड़ेगा, ताकि बाहर से जो सामान आए वो सस्ता दाम में आए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो इस बजट में भी देखोगे तो 50 से लेके 60 जो आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। तो यही चीज़ तुम लोग देखने जा रहे हो, कस्टम ड्यूटी किसी का बढ़ाया जा रहा है तो क्या सबसे पहला रीज़न है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाना। यदि कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाया जा रहा है, यदि कम किया जा रहा है तो उसको ला के हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। बात समझ गए ना, उसको ला के मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो यहाँ पे समझो, चेंजेस इन द कस्टम्स ड्यूटी रेट, चेंज इन द कस्टम ड्यूटीज। नंबर वन, देखो जो तीन मेडिसिंस है जो कैंसर से रिलेटेड है, वो तीनों मेडिसिंस को फुल एग्जम्पशन कर दिया गया, यानी कि वो तीन जो मेडिसिंस है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस मेडिसिंस के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी लगने नहीं जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो कैंसर पेशेंट है उसको कम दाम में, यानी कि पहले टैक्स लगता तो ज़्यादा दाम हो जाता, तो उसको कम दाम में मिल सके। नंबर वन, देखो फुली एग्जम्प्ट कर दिया गया ना, यहाँ पे कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगने जा रहा है, फुल एग्जम्प्शन, समझ गए। दूसरा देखो, यहाँ पे थोड़ा चेंज तुमको नज़र आएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स है ना, मोबाइल PCBs का मतलब मोबाइल का वो पार्ट है, वो बोर्ड है, एंड मोबाइल चार्जेस रिड्यूस टू 15%, यानी कि पहले जितना था उसके कंपेयर में कम किया गया। पहले आपका वही 18-20% के आसपास था, उसको घटा के कितना, 15% किया गया है। कहोगे कि सर क्यों किया गया ये, क्योंकि कस्टम ड्यूटी यदि कम होगा, अब बात समझो,
अभी भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम बन चुका है, अच्छा खासा। हमारे भले ही हमारे कंट्री में वैल्यू एडिशन उतना ना हो रहा हो, मैं असेंबली तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मोबाइल फ़ोन का। जब हमारा सिस्टम डेवलप्ड हो ही गया है तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम ड्यूटी इसलिए बढ़ाते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्शन मिले। जब हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार ही हो गया फ़ोन में, तो क्यों हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं? तो कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, समझे? क्या क्या चीज़ में? मोबाइल फ़ोन में, हाँ, मोबाइल का वो पीसीबी मतलब मोबाइल का जो पार्ट है, एंड मोबाइल चार्जर। तो यहाँ पे देखो, वही थ्री फोल्ड इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि पहले जितना प्रोडक्शन होता था विद्यार्थी, उसके कंपेयर में 3 times ज़्यादा प्रोडक्शन अभी हो रहा है। और ऑलमोस्ट ये कहोगे, 6 साल का आंकड़ा कहोगे, तो जो मोबाइल फ़ोन बाहर जो हमारा बिकता था उसके कंपेयर में 100 times ज़्यादा बिक रहा है। बस समझे, पहले यदि 1 बिकता था तो अभी तुम्हारा 100 बिक रहा है ये 6 साल में। इसका मतलब भारत में अच्छा खासा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। हाँ, इस पर लूपहोल्स यही है कि जितना भी मोबाइल फ़ोन भारत में, भारत से बाहर जा रही है, भारत में बन रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा उतना। सिंपल, हम लोग बाहर सामान लाते हैं, असेंबल करते हैं और बेच देते हैं। वी नोट दिस थिंग्स। तो यानी कि कंट्री में इतने अच्छे से जब प्रोडक्शन हो रहा है ना, 3-fold इंक्रीज, 3 times इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। 6 साल का यदि कंपेयर किया जाए तो 100% इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट में। तो अब हमारा जो इंडियन मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो मैच्योर स्टेज में आ चुका है। अब इसको फर्दर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या किया गया, कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया। कस्टम ड्यूटी यदि बढ़ाया जा रहा है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, कम कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 15%। पहले देखना तुम लोग, वही 18-20% के आसपास होगा, उसको घटा के कम कर दिया गया। आगे देखो, फुल एग्जम्पशन एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल, जानते हो ना क्रिटिकल मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, सब ये क्रिटिकल मिनरल्स है जिसका यूजेस जानते हो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, समझे? तो इस पे क्या है कि 25 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सब टोटल एग्जम्प्ट कर दिया गया, कि एक पैसा भी कस्टम ड्यूटी लगने नहीं जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, लिथियम हुआ, कॉपर हुआ, कोबाल्ट हुआ, या और भी इस तरह का जो रेयर अर्थ मेटल्स, समझे, जो एलिमेंट्स बहुत क्रिटिकल है आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अच्छा, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे स्टूडेंट कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स है ना, उसको लेके वो पहले से भी चल रहा है, और भी रिएक्टर को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी आपका कारगर होगा जब बाहर से सामान सस्ता आए। यदि बाहर कस्टम ड्यूटी लगा के यदि मंगवाया गया तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स है वो सब इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, या हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इसलिए जो 25 जो क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसके ऊपर पूरा एग्जम्प्ट कर दिया, उस पर कोई भी बेसिक ड्यूटी लगने नहीं जा रहा है, ताकि ये सभी चीज़, क्योंकि इंडिया, देखो इंडिया इसमें हब नहीं है। जब इंडिया जिसमें हब नहीं है तो वो सामान लाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, भले ही लिथियम रिजर्व्स मिल गया हो, बट वो स्टेज में नहीं है कि उसको एक्सप्लोर किया जाए। अभी उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए हमें, समझ गए? हाँ, चौथा नंबर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल एंड पैनल। देखो, भारत ने, भारत प्रतिबद्ध है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, इंडिया ने, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे ग्लासगो हो, चाहे अभी का दुबई कंसेंसस हो, सभी में भारत ने बहुत अच्छे से कहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन हमें करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जानते हो 2-3 साल में बढ़ा भी है रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर पहले कंपेयर में। और इंडिया में जो सबसे ब्राइटेस्ट जो स्पॉट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो मशीनरी चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, तो उसके ऊपर ही यदि टैक्स लगा देंगे तो फिर सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसलिए जो भी हैवी मशीनरी है, जो भी कैपिटल गुड्स है जिसका प्रयोग किया जाएगा सोलर सेल बनाने में, सोलर पैनल बनाने में, इसके ऊपर पूरी तरीके से एग्जम्पशन है, यानी कि इस पर कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने नहीं जा रहा है, ताकि भारत चाहता है कि अधिक से अधिक वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी पे काम कर सके। दिस इज़ टू सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जो है, समझे, विच इज़ क्रिटिकल टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, है कि नहीं, बताओ? तो रिन्यूएबल एनर्जी हमें चाहिए, उसका शेयर बढ़ाना है,
तो यदि कैपिटल गुड्स पे यदि ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। होप सो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन एमडीआई। एमडीआई देखो कह सकते हो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि प्रयोग किया जाता है यान को बनाने में। यान जानते हो ना, यान भी क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फैब्रिक का, कॉटन फाइबर, फाइबर फिर आगे प्रोसेसिंग होकर यान बनता है, यान से फिर तुम्हारा फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। और उसके बाद जानते हो कि या तो फुल कपड़ा बन सकता है या प्लेन कपड़ा बन सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है। यान देखो तमिलनाडु में यान बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब इसमें क्या कर दिया गया, जो चीज़ जो केमिकल, ये केमिकल का नाम है, जो केमिकल का जो यूज़ किया जाता था, जो केमिकल का जो यूज़ किया जाता है यान प्रोड्यूस करने में, तो उसको भी कम कर दिया, उसका भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा दिया गया। पहले कितना था सर, 7% था, घटा कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया। कहोगे कि सर ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि टैक्स इन्वर्जन को रेक्टिफाई किया जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स इन्वर्जन, बच्चे लोग देखो यहाँ पे समझो, हालांकि पहले भी समझे हो ये कंसेप्ट को। यदि इनपुट जो आ रहा है, इनपुट पे यदि ज़्यादा आपका वो हो, टैक्स देना पड़े एज कम्पेयर टू फिनिश प्रोडक्ट, तो गलत है ना। तो फिर कंट्री क्या करेगा, फिनिश प्रोडक्ट को ही मंगवाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, स्टील के साथ यही होता था, चाइना जो स्टील प्रोड्यूस करके भेजता था इंडिया में, उस पर जो फाइनल प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता था वो सस्ता था। मैं स्टील से पहले जो बाय, स्टील से पहले जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स है, स्टील बनाने में जो काम आता उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी था। तो इस तरह का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब कि इनपुट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है एज़ कम्पेयर टू फिनिश प्रोडक्ट पे। यहाँ पे भी यही हो रहा था कि फैब्रिक पे, फैब्रिक मतलब फुल फिनिश प्रोडक्ट, फैब्रिक पे क्या लग रहा था बच्चे लोग कि आपका टैक्स जो है वो, आपका टैक्स जो लग रहा था वो कम था। और जो इनपुट है, जैसे एमडीआई क्या हो, इनपुट हो गया यान को बनाने में, फिर यान फैब्रिक बनेगा, तो इस पे ज़्यादा टैक्स था। तो इसी एनिमोली को, यही जो एरर है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए कदम उठाया गया है, समझ गए, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द टैक्स इन्वर्जन। क्यों, क्योंकि पहले फिनिश प्रोडक्ट पे कम टैक्स था और इनपुट पे ज़्यादा टैक्स था। ये गलत ना है, इससे कभी भी आपका कंट्री में इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सकता है। यदि तुमको पता चला कि जो कंट्री में स्टील प्रोडक्शन करना है और तुम इनपुट मंगवा रहे हो, जो स्टील को बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए, आयरन चाहिए ना जी, कुकिंग कोल चाहिए ना जी, दुनिया भर का चीज़ चाहिए आपको, तो पता चला कि इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो तुम क्यों मंगवाओगे इसको, तुम फिनिश प्रोडक्ट को ही मंगवा लोगे। तो इससे आपके कंट्री में कभी भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे पहले भी देखो पिछले बजट में याद करो, जो किचन चिमनी बताए होंगे कभी क्लास में, किचन चिमनी में भी यही हुआ था कि जो किचन चिमनी जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स कम था, और जो उसका जो प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट पर उस पर ज़्यादा था। तो वो भी स्ट्रक्चर चेंज किया था सरकार ने पिछले साल, बात समझे, तो ताकि कंपिटेटिव रहे, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन सके, इसलिए किया जाता है। आगे देखो बच्चे लोग, हाँ ये देखो, हाँ बजट जैसे ही, बजट का बजट जैसे ही पास हुआ, हल्ला हुआ ना कि सोना का दाम घट गया, सोना का दाम घट गया, जान रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, कस्टम ड्यूटीज जो सोना के ऊपर है वो घटा के 6% कर दिया गया। पहले कितना था, लगभग वही 15% के आसपास था, इफ़ आई एम करेक्ट, जाके तुम लोग चेक कर सकते हो, ऐसे कुछ था, वो घटा के 6% कर दिया गया। और सिल्वर में देखो बच्चे लोग, सिल्वर को भी कम कर दिया गया, और प्लैटिनम भी कम किया गया, 6.4% किया गया। कहो कि सर ये सोना का दाम कम करने, सोना के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था वो कम करने की क्या जरूरत है, तो जरूरत है। मैं उससे पहले समझ लो कि सोना के बारे में, भारत सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से इम्पोर्ट करता है, स्विट्जरलैंड से। मैं स्विट्जरलैंड में कोई रिजर्व नहीं है गोल्ड का, स्विट्जरलैंड एक मार्केट है, रिजर्व के मामले में दूसरा कंट्री है। ये भी यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, यूपीएससी का, ठीक है, यूएसए, आई थिंक यूएसए ही होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व है सोना का। मैं मार्केट सबसे बड़ा वर्ल्ड में, जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो स्विट्जरलैंड है, समझ गए। अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, भारत में एक साल में कितना गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो 800 टन्स होता है, लगभग 800 टन्स भारत में प्रत्येक साल गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, बात समझे। अब यहाँ पे समझना बढ़िया उससे, और जो गलत तरीके से जो स्मगलिंग गोल्ड का, जानते हो स्मगलिंग भी होता है, आए दिन एयरपोर्ट पे लोग पकड़े जाते हैं ना कि जूता में डाल लिया, पेट के अंदर डाल लिया, कहीं दूसरे जगह, देखते हो ड्रग्स वगैरह पकड़ा जाता है ना, बताओ बुद्धू लोग सब,
एयरपोर्ट पे इतना चेकअप होता है, फिर भी ये लोग कोशिश तो करता है कि किस तरह हम वो करके जाए, बहुत बार बच भी जाता है। हाँ बचता है तभी तो कर रहा होता है, मैं एनीवे पकड़ा भी जाता है ना, उसी का बात कर सकते हैं हम लोग क्योंकि वही देख रहे होते हैं। एनीवे देखो, अब देखो क्या इसका पीछे लॉजिक क्या है, जब आपके कंट्री में कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होगा गोल्ड का तो स्मगलिंग होने का बहुत चांस। और जो 600 हम जो टन्स बता रहे हैं तुम लोग को, उसमें से लगभग 150 से लेके 160 जो टन्स है वो तुम्हारा स्मगलिंग होके भारत में आ रहा है। यानी कि अच्छा खासा कह सकते हो, अच्छा खासा 15-20% तुम्हारा बाहर से स्मगलिंग करके आता है इंडिया में। ताकि स्मगलिंग करने का मतलब क्या है कि वो सरकार से बचना चाह रहा है, सरकार का जो कस्टम ड्यूटी है उसे बचना चाह रहा है, तभी तो स्मगल करके आ रहा है भारत में। तो आखिर ज़्यादा टैक्स है तभी तो ऐसा हो रहा है, सिंपल बात है, ताकि स्मगलिंग ना हो कंट्री में, इसलिए इसको कम कर दिया गया है, भारत सरकार का ये दलील है, समझ गए। हाँ अब प्लैटिनम भी वही किया गया। देखो इससे क्या, दूसरी बात देखो, ये तो चलो ठीक है, जानते हो कि इंडिया चलो गोल्ड लाता है, प्रीशियस मेटल्स को लाता है बाहर से, और सूरत में गुजरात में जानते हो कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे बहुत काम होता है, हाँ उस पर बहुत वैल्यू एडिशन होता है, फिर बाहर भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा बिकता है। जैसे हमारा जो मर्केंटाइज गुड्स है उसमें से ये जेम्स और ज्वेलरी लगभग 15-20% शेयर रखता है। तो यानी कि इनपुट आ रहा है बाहर से गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, यदि वो ऑटोमेटिकली महंगा होगा और उस पर वैल्यू एडिशन हो रहा है भारत पे, वो फिर बाहर बिकेगा तो अनकम्पिटेटिव हो जाएगा वो, ताकि एक एक्सपोर्ट को भी थ्रस्ट मिले, जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को भी थ्रस्ट मिले, इसलिए सरकार ने क्या किया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाया है गोल्ड और सिल्वर प्लस प्लैटिनम पे, समझ गए बात को। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, टू एनहांस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल ज्वेलरी इन इंडिया। होप सो समझ में आ गया होगा इसके पीछे का कहानी। आगे देखो विद्यार्थी लोग, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो स्टील और कॉपर बनने के लिए भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बहुत सारा चाहिए, एंड भारत को चाहिए, भारत को स्टील चाहिए ऑब्वियसली, देखो ना जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था फेरो निकल के ऊपर या ब्लिस्टर कॉपर, ये निकल कॉपर यूज़ किया जाता है तुम्हारा वही स्टील प्लांट में और कॉपर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, ताकि भारत में अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट सके स्टील बनाने में और कपर बनाने में। इसलिए क्या किया गया, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर उसको भी रिमूव कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया कि अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगने जा रहा, रिड्यूस नहीं किया गया, रिमूव किया गया है। रिमूव का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि इस बजट में लगभग 50-60 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर रिड्यूस किया गया या एग्जम्प्ट किया गया है। आगे देखो, ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रजिस्टर, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बल देने के लिए, तो उस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रिमूव कर दिया गया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन हो सके, यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सके, तो उसके लिए इनपुट चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। ये देखो बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रजिस्टर बहुत बड़ा नाम है, एवरीवेयर यू विल फाइंड रजिस्टर इन डिफरेंट फॉर्म्स। आप यदि पंखा भी खोलोगे तो वहाँ पे भी आपको रजिस्टर दिखेगा, यदि आप मोबाइल खोलोगे तो वहाँ पे भी आपको रजिस्टर दिखेगा इन डिफरेंट फॉर्म्स, समझ गए। तो ताकि रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग हो सके उसके लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन फ्री कॉपर चाहिए। ऑक्सीजन फ्री कॉपर का यूज़ करके रजिस्टर बनाया जाता है, और रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाने के लिए, तो इसलिए रिमूव कर दिया गया, समझ गए ना। हाँ अमोनियम नाइट्रेट, देखो पाइपलाइन बनता है ना जी उसके लिए, जैसे हाँ अब इसके लिए देखो बढ़ा दिया गया जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होता है आपका पाइपलाइन, PVC सुने हो ना, हाँ वो सब पाइपलाइन बनाने में ये सब तुम्हारा केमिकल यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट का, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बात समझ रहे हो, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इसका टैक्स बढ़ा दिया गया। 7.5% पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी था, बढ़ा कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया, और ये इसलिए समझ गए, टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड न्यू कैपेसिटी इन द पाइपलाइन, दोनों ही रीजन है, एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और दूसरी बात है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बचाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो फ्लेक्स, जानते हो एडवर्टीजमेंट के लिए फ्लेक्स बहुत यूज़ होता है, ठीक है अभी थोड़ी देर में आएगा। अच्छा ये समझ में आ गया ना तुम लोग को। आगे देखो यहाँ पे समझो, ये बिल्कुल इसी का बात कर रहा हूँ, 10th का ही मैं बात कर रहा हूँ।
जैसे बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया पीवीसी के ऊपर भी, पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स, ये क्या है बच्चे लोग, पीवीसी जो बैनर जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होता है ना, हाँ पीवीसी वाला जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होता है, उसमें उसको पहले कितना था 10% था, बढ़ा के कितना 25% कर दिया गया, 25% कर दिया गया। कारण क्या है, वही रीज़न है कि जो पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये, और इसको समझ रहे हो ना, इसको इसको इंडिया में अच्छे से डिस्पोज भी नहीं किया था। तुम खुद जाके देख लो सिटी में कि बहुत सारा बैनर लगा हुआ है, वो निकल रहा है, बाहर जा रहा है, वहाँ पे सर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसको, तो प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म नहीं है, बात समझे। तो इसलिए इसका बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया, तो बैनर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हजार्डियस फॉर इन्वायरमेंट एज वेल एज योर हेल्थ। आगे देखो, इसमें देखो टेलीकॉम इक्विपमेंट, इसको भी बढ़ाया दे, उसको भी बढ़ाया गया, इसको बढ़ाया गया, सिंपल बात है, देखो कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया उसका तार जुड़ेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, है ना, पीएलआई स्कीम को बढ़ाने के लिए। तो इंक्रीजिंग द बेसिक कस्टम ड्यूटी फ्रॉम 10% टू 15% ऑन द पीसीबी ऑफ स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट, यानी कि टेलीकॉम इक्विपमेंट से रिलेटेड जो पार्ट है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया, इसलिए ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो सके टेलीकम्युनिकेशन में, सिंपल लॉजिक। तो ठीक है, एक में आपने देखा कि कस्टम ड्यूटी कितना में घटाया गया और कितना में बढ़ाया भी गया, बढ़ाया गया तो बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के लिए या फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न से भी, यदि घटाया गया तो वो हमें चाहिए सामान ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो सके, क्योंकि इंडिया उस स्थिति में नहीं है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सके, पहले तो इम्पोर्ट करना है, यदि इम्पोर्ट करते हुए यदि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा तो फिर कैसे कम्पिटेटिव हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, कम्पिटेटिव नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं, समझो विद्यार्थी लोग, बहुत सारा चीज़ नया नया आया है इस बार, बहुत सारा अलग अलग आया है इस बार, देखो समझो, एक एक चीज़ समझना है तुम लोग को। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम विदाउट एग्जम्पशन एंड डिडक्शन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स। क्या है कहने का मतलब, कि अभी मोदी जी का जो कह सकते हो कि जो सेकेंड टेन्योर रहा उसका एक्सटेंशन कह सकते हो, कि मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, जैसे आमतौर पर पहले क्या होता था कि लू फॉल्स होते, जिसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, है ना, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, कि जानबूझ के इनकम टैक्स का जो आपका एक्ट है उसमें लू फॉल्स निकाल के लोग फायदा उठाते थे उस चीज़ का। तो सरकार ने क्या किया, जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कॉरपोरेट्स लोग हैं, डोमेस्टिक कंपनीज जो कॉरपोरेट है, हाँ कॉरपोरेशन जो है, एक तो उसका टैक्स कम किया 22% प्लस सेस एंड सरचार्ज, उसको भी सिंप्लीफाई किया, और इनकम टैक्स में भी सिंप्लीफाई किया। हम जानते हैं कि पिछले बार भी विवाद से विश्वास स्कीम और इंटरिम बजट में भी कहा गया था कि 5 साल से जो 50 साल से जो पुराना वाला यदि इश्यूज है अप टू सर्टेन अमाउंट उसको रिलैक्स कर दिया जा रहा है, ये हम लोग पढ़े हैं विद्यार्थी लोग। तो सरकार ने कोशिश किया है कि टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि कॉमन आदमी भी समझ सके उस चीज़ को। बेस्ट एग्जांपल देखो, 2023 और 24 का फाइनेंशियल ईयर में जो कॉरपोरेट टैक्स है यदि उसमें 100% आया तो 58% जो आया वो नया सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम से आया है। तो क्या होता नया टैक्स सिंप्लीफाई, यानी कि जो न्यू सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम क्या है, जिसमें 22% टैक्स लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अच्छा, ये 22% जो हर इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है विद्यार्थी लोग। डोमेस्टिक कंपनीज को कितना पे करना होगा कॉरपोरेट टैक्स, 22 प्लस सेस एंड सरचार्ज। और जानते हो कि कई ऐसे राज्य हैं जो कि स्पेशल राज्य हैं, वहाँ पे यदि कोई कॉरपोरेट खोलना चाहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा टैक्स का भी रिलैक्सेशन है ना, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो यदि तुम सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम के हिसाब से देखोगे तो 100% यदि कॉरपोरेट टैक्स आया तो उसमें 58% इसी से आया, तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार का जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि 58% जो कॉरपोरेट टैक्स इसी सोर्स से आ रहा है, नंबर वन। दूसरी बात देखो, मोर देन 2/3 हैव अवेल द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजिम। देखो टैक्स जो टैक्स रिजिम ओल्ड वाला था न्यू वाला था, सरकार ने पिछले साल भी फुल फ्लेक्सिबिलिटी दिया था कि आप ओल्ड से भी कर सकते हो, आप न्यू से भी कर सकते हो। तो पता चला कि जो इनकम टैक्स, जो जानते हो ना इस बार सबसे मेजर ह्यूज जो है पैसा कहाँ से आने जा रहा है, इनकम टैक्स से आने जा रहा है, वही प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है वो। कॉरपोरेशन टैक्स
एंड पर्सनल टैक्स बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स लगभग वही 10,000 करोड़ के आसपास है, हैं 10,000 लाख करोड़ के आसपास ऐसे कुछ है कि 10,000 करोड़ है वो, हाँ 10 लाख करोड़ है करेक्ट। और जहाँ तक सवाल है उसका कॉर्पोरेट का तो लगभग 12,000 के आसपास, 12,000 लाख करोड़ के आसपास, हाँ इनकम टैक्स दोनों को जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट और इसको जोड़ के, बात समझ रहे हो ना। यानी कि कॉर्पोरेशन, देखिए दूसरे टर्म में कहा जाए तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। मैं इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स, सिंपल बात समझो, इसका श्रेय सरकार को भी जाता है क्योंकि जितने भी लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो न्यू रेजिम में ज़्यादा लोग दे रहे हैं, 2/3 लोग दे रहे हैं, यानी कि 66% ने न्यू टैक्स रेजिम को स्वीकार किया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि सरकार ने ये जो न्यू टैक्स रेजिम है ये कह सकते हो इंटरिम बजट से पहले जो फाइनेंशियल बजट हुआ था उसमें ये प्रपोजल लेके आई थी सरकार, और उसमें बोली थी कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम से भी अपना क्लेम कर सकते हो और न्यू टैक्स रेजिम से भी कर सकते हो। तो देखो वो क्या लिखा गया है, मोर देन 2/3 हैव अवेल द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम, समझ गए। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस एक्ट में, ये एक्ट बना है 61 में, इसमें दुनिया भर का लूपहोल्स निकाल लेगा चार्टर अकाउंटेंट टाइप के लोग सब जो जानकार होंगे, वो बोलेगा कि आप ऐसा करो आप कानून के उसमें नहीं आओगे, तो सलाह देता ही सीए जानते हो ये सब चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। और सरकार कुछ साल पहले डायरेक्ट टैक्स एक्ट भी लाने जा रही थी मैं वो किसी तरह पास नहीं हो पाया, तो इस बार सरकार बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर। तो सरकार ने कहा है कि हम इस पर बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाना चाहिए, जहाँ जहाँ लूपहोल्स उसको हम प्लग करना चाहेंगे इस एक्ट का, और आने वाले 6 मंथ में सभी जो भी लूपहोल्स है उसको हम प्लग कर लेंगे ताकि कोई भी टैक्स का चोरी ना हो सके, बात समझे। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है देखो। और दूसरी बात है कि लिटिगेशन जान रहे हो, उनके ट्राइब्यूनल में जा रहा है केस आपका, आपका केस कोर्ट में जा रहा है, तो लिटिगेशन जितना लंबा चलेगा उतना पिटिशनर को भी नुकसान है, तो लिटिगेशन भी जल्दी हो, इस सब चीज़ के लिए सरकार 6 मंथ के अंदर बहुत सारा चीज़ लेके आने वाली है। तो यहाँ पे देख लो कंप्रिहेंसिव रिव्यू होने जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ये अनाउंस हो चुका है बजट में ही। पर्पस क्या है, पर्पस ये कि एक्ट को कॉन्साइज बनाया जाए, उसमें जो इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन ना हो, समझे, लूसिड हो, समझने में आसानी हो, ईजी टू रीड हो और आराम से समझ सके उसको, इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट और जो लिटिगेशन है वो कम हो सकेगा क्योंकि जो टैक्स पेयर उसको पता चल जाएगा इतना इतना टैक्स देना है दे देंगे, लूपहोल्स रहेगा तब ना निकालोगे, लूपहोल्स को प्लग कर दिया जाएगा इसमें। इससे फायदा क्या होगा कि टैक्स सर्टेनिटी भी रहेगा टैक्स पेयर को, अच्छा इतना टैक्स हमको देना है, पहले क्या था कि इतना बचा सकते हैं क्या, अच्छा इतना देना है कि नहीं देना है, तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता था, समझे। तो दूसरी बात यह है कि इससे जो लिटिगेशन जो केस में जाता है मुकदमा सब वो भी कम हो जाएगा, और ये जो है रिफॉर्म्स लाने का बात है या कंप्रिहेंसिव रिव्यू करने का बात है ये 6 मंथ तक हो जाएगा, ऐसा पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया, समझ गए स्टूडेंट। तो ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सभी चीज़ें, इसमें हम लोग क्या देखें, कॉर्पोरेट टैक्स देखें और इनकम टैक्स देखें। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अब इसको लेके हल्ला हो गया, इसको लेके कल भी बहुत सारा जो अपोजिशन का जो लीडर है उसने हल्ला किया था इस चीज़ को लेके, ये है क्या, देखो इसको समझना होगा तुम लोगों को, बढ़िया समझना होगा इस चीज़ को। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग, शॉर्ट टर्म गेन का मतलब होता है 1 साल से नीचे, जैसे मान लो मैं सिंपल में कहता हूँ, अब ये आप दोनों में ही देख सकते हो, फिजिकल एसेट में भी देख सकते हो, फाइनेंशियल एसेट में भी, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ अभी थोड़ा देर में बताता हूँ मगर इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे लेट्स हैदराबाद का गच्चीवली लेते हैं, हैदराबाद का गच्चीवली जानते हो इंडिया में बहुत फेमस है आईटी सेक्टर के लिए क्योंकि दिन प्रतिदिन वो एक्सटेंड होते चला जा रहा है, और यदि वो एक्सटेंड हो रहा है तो इसका जो श्रेय जाता है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उस लेवल पर प्रोग्राम और पॉलिसी लाया, उस लेवल पर FDI अट्रैक्ट किया, तभी तो इतना गच्चीवली इतना पॉपुलर होते चला जा रहा है भारत में। अब देखो किसी का ज़मीन है, लेट से किसी ने ज़मीन 1 करोड़ में ख़रीदा था 1 साल 2 साल पहले या 1 साल पहले 1 करोड़ में खरीदा था, बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या हुआ 1 करोड़ जो है उसका दाम बढ़ के 2 करोड़ हो गया,
तो जब वो आदमी जो 1 करोड़ में खरीदा और वो 2 करोड़ में सेल करना चाहता है, तो 1 करोड़ का मुनाफा हुआ ना उसको, तो उस पर तो टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन मार्केट का है, वो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा सरकार का, क्योंकि सरकार ने बहुत दिमाग लगाया है उसको ऐसा बनाने में। तो पहले जो जो टैक्स लगता था, और ये मैं 1 साल का बात कर रहा हूँ, 1 साल से नीचे आपने कोई भी एसेट को लिया और आपने बेच दिया, चाहे वो फिजिकल एसेट भी हो सकता है या फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है कि ये जो आपका डेरिवेटिव सब है, स्टॉक सब है, समझे ना, ये सभी चीज़। तो यदि आप 1 साल से पहले बेच दिए तो पहले कितना 15% लगता था, आप बढ़ा के 20% कर दिया गया। इसी चीज़ को लेकर हल्ला हो गया कि आपने मिडिल क्लास वाले लोग के पेट में छुरी घोंपा है। हमें पार्लियामेंट का, मैं डिबेट का ही भाषा बोल रहा हूँ, कल ही तो चर्चा चल रहा है इसके ऊपर। एनीवे, तुम लोग को समझना है, मीनिंग समझना है। तो शॉर्ट टर्म का बात आएगा तो 1 साल से पहले, लॉन्ग टर्म का बात आएगा तो 1 साल के बाद। दोनों में चेंजेस आया है, बात समझे ना, दोनों में चेंजेस आया। तो यहाँ पे समझो विद्यार्थी लोग, पहले तुम लोग, शॉर्ट टर्म गेंस ऑन सर्टन फाइनेंशियल एसेट सेल अट्रैक्ट ए टैक्स रेट ऑफ 20%, वाइल डेट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट एंड ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट सेल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अब यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट का बात किया गया। फाइनेंशियल एसेट समझते हो ना, वही जो स्टॉक है आपका, जो भी लिस्टेड कंपनी में जो स्टॉक सब रहेगा, स्टॉक रहता है ना, स्टॉक जानते हो ना, जो लगता है तुम्हारा सेंसेक्स में, निफ्टी में, जो भी है। यदि फाइनेंशियल, अब देखो ये क्यों किया गया, 15% से 20% जो बढ़ाया गया, मैं अभी एसेट का बात, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा हूँ, बढ़िया सुनना। मैंने वो एग्जांपल दिया था कि कैसे बढ़ता है सरकार के एफर्ट के वजह से, सही बात है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि सभी के बारे में चर्चा आएगा, सभी का इंटरेस्ट रेट अलग है, मैं अभी 20% का बात कर रहा हूँ, तो 20% के बाद मैं फाइनेंशियल एसेट पे बात करना चाह रहा हूँ, बढ़िया सुनना इस बात को, कन्फ्यूज मत होना कि 20% फिजिकल लैंड के साथ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है आपका, स्टॉक्स। तो यदि 1 साल से पहले जो आपने स्टॉक खरीदा उसको आप यदि बेच रहे हो, तो आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, डेट इज योर शॉर्ट टर्म गेन्स। कैपिटल गेन टैक्स का ही एग्जाम्पल है तुम्हारा शॉर्ट टर्म गेन्स। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया गया। देखो हो क्या रहा है कंट्री में, कि 1 साल भी शेयर रख नहीं रहा है, लोग बेच रहा है, इससे क्या होगा कि एक स्पेकुलेशन है ना, अचानक क्या होगा कि शेयर मार्केट राइज करेगा और धम से गिर जाएगा। तो ये जो वोलेटिलिटी को रोकने के लिए ये टैक्स रेट बढ़ाया गया, यदि 15 से 20% कर दिया गया तो लोग बेचने में सोचेगा। अभी लोग बोलेगा कि नो, शॉर्ट टर्म गेंस नहीं करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म होने दो, 1 साल से बाद होने दो, तब बेचेंगे। तो जो स्पेकुलेशन है मार्केट में, जो हलचल जो है, कई बार तो मार्केट जानते हो कि हलचल की वजह से चलता है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जब पोल आया, आपका ओपिनियन पोल आया था, तो उसमें मोदी जी को 400+ मिल रहा था ना, स्टॉक का क्या हुआ तुम लोग सब जानते हो, धराम से गिरा अगला दिन। जैसे ही रिजल्ट आया, पूरा कॉमन पीपल का जो पैसा किस तरह गया है तो सब जानते हो। वो बोले, वो सब स्पेकुलेशन, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन, कि पक्का स्टॉक बढ़ेगा, समझे। आई चक्कर में पूरा कॉमन आदमी पिट गया। तो ये चीज़ ना, इसी के लिए बढ़ाया गया। सो सिंपल, समझ गया ना। हाँ, अब दूसरा देखो, उसी में दूसरा पॉइंट भी है, इसमें एक एक चीज़ समझना है तुम लोग को। वाइल डेट ऑन ऑल अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स सेल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द एप्लीकेबल, और बाकी जो भी है आपका, चाहे नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या, जो फिजिकल एसेट है, जैसे आपका घर हो गया, आपका जमीन हो गया, उसके लिए जो भी टैक्स रेट अवेलेबल है वही लगेगा, एज इट इज़ पहले जो कंटिन्यू है वही लगेगा। हो सकता है उसमें 15% हो तो 15% लगेगा, मगर जो बढ़ाया गया उसके बारे में मेंशन किया गया वहाँ पे, कौन सा बढ़ाया गया है, तो 1 साल से पहले वाला, वो भी फाइनेंशियल एसेट पे। समझो स्टूडेंट, मैं बार बार वो वर्ड को कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट दो अलग चीज़ है। दोनों के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो अलग तरीके से होगा, उसका जो उठाया जाएगा वो अलग तरीके से उठाया जाएगा। नंबर वन पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे समझो, यदि लॉन्ग टर्म गेंस का बात हो, लॉन्ग टर्म गेंस का मतलब क्या है कि 1 साल बाद कोई भी स्टॉक लिए और 1 साल बाद बेचे, कोई भी जमीन लिए 1 साल बाद बेचे, जो कोई भी घर लिए 1 साल बाद बेचे, तो उस पर क्या टैक्स लगेगा। हाँ, तो लॉन्ग टर्म गेंस ऑन ऑल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एसेट ऑन द अदर हैंड विल अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। देखो कहाँ वो 20%, कहाँ ये 12.5%। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है,
इनकरेज करे कि एक साल के अंदर मत बेचो, रखो अभी यहाँ तुम, स्पेकुलेशन ना, अफरा तफरी हो जाता है, समझे? इस रीजन से हाँ, द लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेंस ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज टू ₹1.25 लाख पर ईयर। हाँ, किसको? अब देखो सबसे बड़ा सवाल है कि कैपिटल गेंस टैक्स देगा कौन? तो फाइनेंशियल आपका ट्रांजेक्शन जो है, एसेट है, उसी हिसाब से देना पड़ता है। तो ये बोला है द लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन, यानी कि कौन कैपिटल गेन टैक्स नहीं दे सकता है यदि फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज हो रहा हो 1.5-2.5 लाख पर ईयर, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, 1 करोड़ का सामान लिए और अचानक अगला साल 2 करोड़ हो गया, तो कोई बिग जंप है? यदि 1.25 लाख से बढ़ रहा है तो कुछ नहीं, वो इन्फ्लेशन है, इट्स ओके। आया समझ में? द लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट का बात है, मैं बार बार रियल इस्टेट का बोल रहा हूँ, इधर का देख लो, मतलब स्टॉक्स रिलेटेड देख लो। हाँ, उसको बढ़ा के, यानी कि 1.25 लाख पर ईयर बढ़ता है तो उसमें कोई नहीं लगेगा, उसमें कैपिटल गेन टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? दूसरा देखो, लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन ए ईयर विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही बात है, जो भी लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब क्या है, जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक में, उसमें यदि आपका शेयर है, समझा, और 1 साल के बाद आप वो कर रहे हो, तो क्या होगा? वो आपका लॉन्ग टर्म होगा, वही लॉन्ग टर्म गेंस होगा। वाइल जो अनलिस्टेड, देखो आप देखो, अनलिस्टेड का भी क्लासिफिकेशन किया गया, लिस्टेड मतलब क्या है, जो चलता है पट्टी पे, अनलिस्टेड भी होता है, वो भी चलता है, बट वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड सब है। जो अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स होंगे और ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट, देखो यहाँ पे आएगा तुम्हारा फिजिकल एसेट्स सब, जितने भी अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स है, जो स्टॉक में नहीं लगता है, निफ्टी और सेंसेक्स में नहीं लग रहा है, बात समझे, जितने भी अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट हो या जितने भी नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, जैसे फिजिकल एसेट हो, will have to be held for at least 2 years to be classified, यानी कि कम से कम 2 साल होना चाहिए, तब जाके वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगा या लॉन्ग टर्म तुम्हारा गेंस कहलाएगा। तो देखो सबका क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, बात समझ रहे हो ना? मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस आया है। ये पहला चेंज देखो, पहले तो तुम लोग को समझना है कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, सिंपल बात है। बाय डेफिनेशन देखोगे तो शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से पहले, अब बाय डेफिनेशन देखोगे तो लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। मगर यदि हम बात करेंगे, यदि अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट हो, जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है, अनलिस्टेड हो, जो रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक में, उसमें भी लोग शेयर खरीदते हैं, उसमें भी लगाते हैं, जो अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट हो या आपका फिजिकल एसेट हो, यदि उसको 2 साल के बाद ही वो तुम्हारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म बनेगा। बाकी नॉर्मल में क्या था कि 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म बन गया, मगर ये दो ऐसा जगह है जहाँ पे लॉन्ग टर्म बनने के लिए 2 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यदि 2 साल से पहले यदि खर्च कर रहा है तो वो भी शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा उसको, कहने का मतलब ये हुआ। तो सरकार चाहती क्या है? सरकार ये चाहती है कि चाहे फिजिकल एसेट हो, वो आप 2 साल से पहले मत बेचो। यदि 2 साल से पहले बेचोगे तो यू विल हैव टू पे सम गुड टैक्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आ जाएगा वो आपका, समझ रहे हो ना? नॉर्मली शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, 1 ईयर का। मैं यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या किया, लॉन्ग टर्म का मतलब जनरली क्या होगा, 1 ईयर के बाद होगा, मगर कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 2 ईयर्स किया गया, और उसमें एग्जांपल क्या है तुम्हारा, अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट है और ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स भी है, कम से कम 2 साल रखना पड़ेगा आपको। तो यानी कि ज़मीन जो है मेरे पास आया, यदि उस ज़मीन को हम 1 साल से पहले बेचते हैं तो हमको कैपिटल गेंस टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा, और यदि हम 2 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर हमारा कम लगेगा, कितना लगेगा तुम्हारा, 12.5% लगेगा। समझ में आया चीज? हाँ, ये कर दिया गया ऐसा कुछ। तो यानी कहने का देखो, अब इसमें क्या हुआ, इसी में हल्ला हुआ कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं इसमें फंसेंगे, बात समझ रहे हो ना, कि जो आपने इक्वेशन किया, जो आप स्पेकुलेशन के नाम पे जो आपने बढ़ाया वो ठीक नहीं है, एज पर द अपोजिशन, समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखो और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें देखो एक एक चीज समझना है तुम लोग को। एन असेसमेंट कैन बी रीओपन बियॉन्ड 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ओनली इफ द एस्केप इनकम इज ₹50 लाख और मोर अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब ये क्या बोला जा रहा है कि मान टैक्स डिस्प्यूट होता है ना, कि आपने टैक्स नहीं दिया, तो ये केस कितना लंबा खोला जा सकता है। मान लो कि आज 2024 है, अभी
तो ये केस आपका रीओपन क्या हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है, 3 ईयर्स बाद भी। यानी कि मान लो कि इस साल हमने टैक्स में चोरी कर लिया, मैं नहीं दिया, तो ये चीज़ 3 साल बाद भी रीओपन हो सकता है। और ऐसा हो तो पहले 10-10 साल पहले, वो पहले तो देखो अभी 2024 चल रहा है, 2014 का भी उठा लिया जाता था, अब उसको कम कर दिया गया। हाँ, मगर इनकम कितना आपने ठगा है, इनकम आपने कितना नहीं दिया है, तो क्या है 50 लाख से ज़्यादा, यदि 50 लाख से कम यदि आपने वो किया है, चोरी किया है, तो उसके लिए नहीं रीओपन होगा, उसके लिए रीओपन नहीं होगा। यदि 50 लाख से 50 लाख या 50 लाख से अधिक आपने टैक्स का चोरी किया है, तो आपका जो रीओपन हो सकता है 3 साल बाद भी रीओपन हो सकता है। बात समझे, एंड अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 3 साल और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक भी जा सकता है। असेसमेंट ईयर ये है 2024, ठीक है, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक, और 3 ईयर बाद ये खुल सकता है आपका, पहले कितना था 10 ईयर्स तक था ये, तो एक कह सकते हो राहत। बट उसके लिए जो अमाउंट है कितना होना चाहिए अमाउंट, 50 लाख, अमाउंट ह्यूज है, उससे कम है तो नहीं खुलेगा वो, जो बात है। इवन इन सर्च केस, अब देखो सर्च केस भी होता है ना, आईटी वाले लोग जाते हैं ना सर्च करने के लिए, है ना, इन सर्च केस ऑल्सो ए टाइम लिमिट ऑफ 6 ईयर्स बिफोर द ईयर ऑफ सर्च एज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग। अभी देखो 10 साल है, यानी कि मान लो कि कोई घपलाबाजी हुआ 10 साल पहले, तो अभी भी सर्च किया जा सकता है। बट अभी क्या है कि आपको 6 साल तक ही परमिशन है सर्च करने का। जैसे मान लो कि 2024 में किसी ने धांधलीबाजी किया, ठीक है, तो ये सर्च करने का जो पावर है 6 साल तक ही है, 2024 से लेके 6 साल ऐड कर दो तभी तक कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हो सर्च। पहले कितना था ये सर्च करने का पावर, 10 साल तक था। तो राहत दिया गया एक तरह से, ऊपर में भी राहत दिया गया, यहाँ पे भी राहत दिया गया, यानी केस को रीओपन करने का 3 ईयर से 5 ईयर्स तक। और इसमें क्या है विद्यार्थी लोग, इसमें जो 10 ईयर्स था उसको कम करके 6 ईयर कर दिया गया। हाँ देखो, द TDS रेट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी रिड्यूस फ्रॉम 1 to 0.1%। जो TDS समझते हो ना, क्या होता है TDS, नहीं पता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसको बोलते हैं TDS। देखो TDS करता है, जो भी लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उसका TDS करता है। क्या होता है TDS का मतलब, पहले ये समझो, TDS भी वन फॉर्म ऑफ टैक्स ही है। जैसे लेट से हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेट से गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, लेट से हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मुझे तनख्वाह मिला है 50,000 पर मंथ, तो मेरे अकाउंट में 50,000 नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में हो सकता है 45,000 आए, और 5,000 कट गया, शुरू में ही कट गया, मैं वो जो 5,000 कट गया वो TDS में गया है, क्योंकि वो एज अ टैक्स के रूप में कट गया है, मुझे अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। डेट इज़ कॉल्ड TDS, यानी कि टैक्स डिडक्शन, जो टैक्स डिडक्शन सोर्स में ही हो रहा है, जहाँ पे आपको दिया जा रहा है वहीं पे आपका रिड्यूस कर लिया गया, समझे। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर देखते हो तुम लोग, हाँ, ये वन पहले था TDS, उसको घटा के 0.1% कर दिया गया, समझे। अब देखो, अब कह सकते हो कि विवाद से विश्वास स्कीम जो पहले भी आया था, जो भी आपका टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट था, तो पैसा दीजिए, बात खत्म करिए, क्यों इतना लंबा लिटिगेशन रखना। तो विवाद से विश्वास, तो कह सकते हो कि इस बार बजट में 2.0 का भी बात किया गया, यानी कि विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 सरकार ने लॉन्च किया है, ये ताकि जो भी लिटिगेशन से रिलेटेड, जो भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी है, और जो भी लंबा लिटिगेट हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी को, टैक्स पेयर को दिक्कत हो रहा है, बार 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 कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है, अरे भाई जो भी फाइन बनता है फाइन दो, बात खत्म करो, इतना कोर्ट में दौड़ने की जरूरत नहीं है। डेट इज कॉल्ड विवाद से विश्वास 2.2, समझ गए। दूसरी बात देखो, ये भी मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स, अब डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स के लिए क्या किया, कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, यानी कि 60 लाख का मान लो कुछ भी आपको अपील करना है, 60 लाख से रिलेटेड आपको डिस्प्यूट है 60 लाख के आसपास, तो आप टैक्स ट्राइब्यूनल में जा सकते हो, बढ़ा दिया गया, पहले कम था, यानी कि 60 लाख से ज़्यादा डिस्प्यूट है, क्योंकि आदमी नज़दीक है ना ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से बहुत दूर है, और सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ ज़्यादा ही दूर है, यदि हम बैठे हुए यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, हर कोई तो दिल्ली नहीं जा सकता। तो इसमें बढ़ा दिया गया अमाउंट की कोई भी केस आपका यदि 60 लाख से आसपास का हो, डिस्प्यूट से रिलेटेड, समझे, अपील जो फाइल कर रहे हो डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो आप टैक्स ट्राइब्यूनल में 60 लाख तक जा सकता है केस, हाई कोर्ट में 2 करोड़ तक जा सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट में है वो 5 करोड़ या उससे अधिक हो तभी जा सकता है। इसका मतलब कह सकते हो कि जिसका टैक्स जो चाहता है रिबेट करवाना, जिसका फंसा हुआ है, उसको भी बहुत रिलीफ है, उसको उधर नहीं जाना पड़ा, यहीं पर उसका सिस्टम से हो जाएगा, समझे। देखो, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन,
एंड टू रिड्यूस लिटिगेशन द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स विल बी मेड मोर अट्रैक्टिव। मैं बताता हूँ क्या होता है इसका मीनिंग। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्ट्रीमलाइन द ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट प्रोसीजर। पहले ये समझो, देखो बच्चे लोग, यदि बाहर के लोग आ रहे हैं भारत में, जैसे मैं शिपिंग इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, इस बार कोशिश किया गया बजट में कि शिपिंग इंडस्ट्री में अट्रैक्ट करें बाहर का FDI को, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनीज को। तो इसके लिए आपका जो टैक्स होना चाहिए वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होना चाहिए ना, ताकि स्टेबिलिटी रहे उसमें। अब पता चला कि आपने बोला है 10%, वो आया काम किया, आप बोले वो 20%, तो फिर क्यों आएगा वो, बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको। इसी को बोलते हैं सेफ हार्बर रेट। क्या बोलते हैं? सेफ हार्बर रेट, यानी कि प्री डिटरमाइंड प्राइस है कि देखिए हम आपको 5% ही लेंगे, आपको 10% ही लेंगे, आप आइए काम करिए, बढ़ाने नहीं जा रहे। इससे सर्टेनिटी मिलेगा फॉरेन कंट्री को भी, फॉरेन कंपनीज को भी, समझ गए। और इस बार ये अप्लाई किया गया तुम्हारा शिपिंग इंडस्ट्रीज में। दूसरी बात है, देखो ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर हमेशा सवाल उठता है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग समझते हो ना, पेरेंट कंपनी है और उसका सब्सिडी लेट से इंडिया में है। तो जब एक सब्सिडी अपने पेरेंट कंपनी को कुछ भी चीज़ बेच रहा है तो ही इज गेटिंग मनी। तो ये जो मैकेनिज्म, होना चाहिए बेचने का, ये अकाउंटेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से टैक्स बनेगा, उस हिसाब से सरकार को जाएगा। मग क्या होता है आमतौर पे, यहाँ पे भी गलत हो रहा होता है, क्या होता है यहाँ पे धांधलीबाजी होता है कि पेरेंट कंपनी है सस्ता में दे देंगे। नो, इक्वल डिस्टेंस लेंथ फॉलो करना है आपको, बताए थे ना इक्वल। आप यदि कोई कंपनी एक्स को भी दे रहे हो या अपना कंपनी को भी दे रहे हो तो इक्वल आर्म लेंथ फॉलो करना होता है आपको, जो कह सकते हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एक तरह से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आया समझ में ये चीज़? तो सरकार इस पर काम कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, STT इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्या इंक्रीज किया है यहाँ पे समझो, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करो। STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट नीड्स। देखो FDI चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो इस कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो भी फॉरेन कंपनी जो भारत में आके कॉरपोरेशन करना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, तो उसको हम टैक्स घटा रहे हैं। 40% अभी है, हम घटा के हम आपको 35% कर रहे हैं, अच्छी बात है। 5% घटा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हो सकता है फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हो इंडिया की तरफ और FDI आए, समझ गए ना ये वाला चीज़। तो 22% बच्चे लोग, तुम कहो कि इंडिया में सर कॉर्पोरेशन टैक्स तो 22% है, अरे बच्चे लोग 22% डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है, बस समझे, बाहर के लिए 40% लगता है, अब उसको घटा के 35% किया गया है, नंबर वन। दूसरी बात है, देखो ये फाइनली ये बजट ने एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया। देखो हर एक चीज़ पर समझाना पड़ रहा है, एंजल टैक्स जानते हो ना, एंजल टैक्स स्टार्टअप के लिए लगता है, स्टार्टअप का एक फंडिंग मैकेनिज्म है। जैसे एग्जांपल देखो, एक स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप कब यूनिकॉर्न बन जाए, कब बिग बिजनेस बन जाए, यू नेवर नो। पहले क्या होता था विद्यार्थी लोग, कि स्टार्टअप का एक अपना जो शेयर है, जैसे स्टार्टअप है XYZ कंपनी, हाँ कोई भी कंपनी हो सकता है, वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है ना, जैसे बायजू सब देखते हो, ये सब स्टार्टअप ही तो था, तो जो कहाँ से कहाँ बढ़ गया और कहाँ से कहाँ चला भी गया है ना। अभी तो बायजू का हालत बहुत बहुत बुरा हो गया, यूनिकॉर्न था बाबू एक समय में बायजू भी, अब कहाँ है यूनिकॉर्न। हाँ अनअकैडमी तो अभी भी यूनिकॉर्न ही है। एनीवे यहाँ पे समझो, तो स्टार्टअप का मतलब क्या है कि बडिंग कंपनी सब है। अब यहाँ पे एंजल टैक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि उसका एक शेयर है, इसका एक शेयर का मार्केट प्राइस लेट से 10,000 है, मगर स्टार्टअप में क्या होता है कि कभी भी उसका ग्रोथ बहुत भयानक हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर है वो 10,000 में नहीं खरीद के वो 1,00,000 में खरीद रहे हैं, तो लोगों को शक होता है कि करप्शन हो रहा है। तो सरकार क्या करती थी, इस पर एंजल टैक्स लेती थी। बताओ गैप कितना हुआ, 10,000 कायदे से उसको 10,000 में खरीदना चाहिए था, मगर उसने कितना में खरीदा, 1,00,000 में खरीदा, तो 90% के ऊपर टैक्स लगता था ये प्रॉफिट समझ के। अब इसके वजह से जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम भारत में जो डेवलप हो रहा था वो बिखरना शुरू हो गया। सरकार को ये समझ में आ गई ये चीज़ कि जो एंजल टैक्स का जो प्रपोजल है वो गलत प्रपोजल था, इसलिए सरकार ने क्या किया इस बजट में कि अब कोई भी एंजल टैक्स नहीं लगेगा, जाओ फ्री कर दिए, यानी कि स्टार्टअप को फिर से एक बार आप दे दिए। अब हाँ, अब एक यूनिट जितना खरीदना खरीदो, कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप भले ही मार्केट वैल्यू आपका 10,000 है, वो कब बढ़ जाएगा यू नेवर नो, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है उसका, समझ गए।
बजट ने ऑल टुगेदर सो कॉल्ड एंजल टैक्स को क्या किया, अबोलिश कर दिया। अब इसे क्या हुआ कि इन्वेस्टर लोग जो पहले डर रहे थे कि टैक्स लग जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब अच्छा खासा तुमको फंडिंग नज़र आएगा एंजल, उसमें भी स्टार्टअप में भी। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट पहले ही, क्रूज टूरिज्म वही शिपिंग टूरिज्म उसको प्रमोट करने के लिए है ना क्या किया, सेफ हार्बर रेट यूज़ किया है, बिल्कुल, टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म, सिंपलर टैक्स रेजिम फॉर फॉरेन शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग डोमेस्टिक क्रूज इन द कंट्रीज प्रपोज, यानी कि सस्ता, आपको बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स पे करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसी के लिए देखो, चाहे वो डायमंड कटिंग हो, चाहे पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे भी सेव हार्बर रेट्स दिया गया फॉरेन माइनिंग कंपनीज लोग के लिए, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे ना यहाँ पे डायमंड पे काम करना चाहेंगे, ठीक है, हाँ डायमंड कटिंग पे काम करना चाहेंगे, पॉलिशिंग जहाँ पे जानते हो जेम्स और ज्वेलर्स पॉलिशिंग होता है ना उस पर जो वैल्यू एडिशन है, तो वो लोग के लिए भी सर्टेनिटी दिया जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सेव हार्बर रेट, ताकि बाहर से आ सके। बच्चों लोग ठीक से सुनो, नहीं ऐसे भी समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़, बढ़िया सुनो, समझ लो ना, सेफ हार्बर रेट क्या होता है, ताकि बाहर से कंपनी को अट्रैक्ट किया जाए, तो चाहे वो शिपिंग में हो, चाहे आपका पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में हो, सब में दिया जा रहा है, ताकि बाहर से FDI आ सके ठीक से। और देखो ये भी बच्चों लोग, अब ये क्या है, STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो बहुत तरह का डेरिवेटिव होता है विद्यार्थी लोग, फ्यूचर भी एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब फाइनेंशियल एसेट है, ये फ्यूचर हुआ ऑप्शन हुआ, इसमें भी क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि पहले 0.02% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया तुम्हारा, हाँ इंक्रीज टू, हाँ 0.02% एंड 0.1% रिस्पेक्टिवली, यानी कि फ्यूचर के ऊपर बढ़ा के 0.02% कर दिया गया STT, और ऑप्शन के ऊपर बढ़ा के कितना कर दिया गया 0.1% कर दिया गया, कहो कि ये क्या है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये बढ़ाया गया, पहले ऐसा नहीं था, समझे। और सेम चीज़ सेम लॉजिक दिया गया वहाँ, जैसे वहाँ पे लॉजिक दिया गया था ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया किस पे, एक साल से पहले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर बढ़ाया गया ना 15-20% किया गया, सेम यही रीज़न है कि स्पेकुलेशन ना हो, वॉलेटिलिटी ना आए, इसलिए यहाँ पे भी बढ़ाया गया, सेम लॉजिक। आगे देखो, इक्वलाइजेशन लेवी कितना दिन से सुन रहे हो तुम लोग, इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब क्या, कि ई कॉमर्स साइट के ऊपर जो, देखो बच्चे लोग यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ऐसे नहीं कि बजट खोल लिया और समझ में आ गया, आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा जानना पड़ेगा अच्छे से। इक्वलाइजेशन लेवी एक कह सकते हो कि इंडिया का ही एक कह सकते हो कि इनिशिएटिव है, आखिर जितने भी डिजिटल ई कॉमर्स साइट है, चाहे अमेजन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, वो लोग ऑपरेट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया में जानते हो कि सामान सब आ रहा है ई कॉमर्स से, मगर ये लोग टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि टैक्स देने के लिए इसका हेडक्वार्टर भारत में होना चाहिए, तो ये तो तुम्हारा डिजिटल है, तो इसका तो हेडक्वार्टर भारत में है ही नहीं, तो इसके लिए सरकार ने कुछ साल पहले इक्वलाइजेशन लेवी लाया था कि 2% आपको देना होगा, ताकि बैलेंस हो सके, क्योंकि आप तो वहाँ बैठे हुए हो, आपका डिजिटल सर्विस यहाँ भी हो रहा है, यू शुड पे टैक्स। मैं इस बार क्या कर दिया गया कि 2% का जो प्रपोजल था पहले जो कैरी होता, उसको ऑल टुगेदर रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो देखो, तो गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 2%, खत्म कर दिया गया, एंड इट इज ऑल्सो एक्सपांडेड टैक्स बेनिफिट सर्टन फंड्स एंड एंटिटीज इन IFSC, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विस सेंटर है वर्ल्ड का, गिफ्ट सिटी वाला, उसको भी और प्रमोट किया गया, उसको टैक्स बेनिफिट, क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है, उसको आपको वर्ल्ड लेवल का बेस्ट स्टॉक मार्केट बनाना है, बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे बिक सके, आप यूनाइटेड स्टेट्स का भी आप जो बॉन्ड है वहाँ खरीद सकते हो, जैसे हांगकॉन्ग में, जैसे लंदन में खरीद सकते हो, उसी तरह गिफ्ट सिटी में भी खरीद सकते हो, उसके लिए टैक्स बेनिफिट्स। अब देखो, जो NPA सिस्टम है, जो नेशनल पेमेंट, जो तुम्हारा जो पेंशन जो सिस्टम है, NPS पहले 10% होता था ना एम्प्लॉयर्स से, और एम्प्लॉयर्स से भी 10% समथिंग कुछ ऐसा था, इसमें बढ़ा के 14% कर दिया गया, बात समझे, तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, तो इसलिए NPS को बढ़ा दिया गया 10-14% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, यानी कि जो कर्मचारी है उसका 14% जो पैसा जो है तुम्हारा NPS अकाउंट में जमा हो जाएगा, जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि समस्या है ना कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन क्या मिलेगा, तो इसको बढ़ा के 10-14% कर दिया गया, हालांकि इसको लेकर भी विरोध होगा, क्योंकि उसको डे टू डे एक्टिविटी में भी तो पैसा चाहिए चलाने के लिए, सवाल ये है।
और एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉयर को भी 10% से 14% कर दिया गया। एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉयर मतलब जो कौन है, मालिक जो है, हाँ बिल्कुल वो भी देंगे। देखो यहाँ पर समझ में आ गया नहीं चीज़। सिमिलरली डिडक्शन ऑफ दिस एक्सपेंस अप टू 40% ऑफ द सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज इन प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, अंडरटेकिंग सब जगह, ठीक है, जिसने भी न्यू टैक्स रिजिम को अपनाया है, अजानते हो अधिकतर ने तो न्यू टैक्स रिजिम को अपनाया है, तो सबके ऊपर ये 14% वाला चीज़ लागू होगा। समझ गए ना? हाँ, इंडियन प्रोफेशनल जो बाहर काम कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, तो उसको भी ESOPS का सेवा मिल सकता है। ये भी कहोगे तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, बात समझे, पहले इतना फैसिलिटी नहीं मिलता था, वो भी कर सकते हैं, और वो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझे, मोबाइल एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोबाइल एसेट का मतलब क्या होगा, कोई भी सामान जो आप ले जा सकते हो बाहर, उस पर भी उसको मिल गया मौका। इनफैक्ट देखो, यदि कोई भी मोबाइल एसेट है जो कंट्री से बाहर जा रहा है, जिसका रकम 10 लाख है, यदि वो सरकार ने पकड़ लिया, IT ने पकड़ लिया, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। पहले क्या था कि यदि 20 लाख वाला अमाउंट का कोई भी एसेट आप बाहर ले जा रहे हो और सरकार को यदि पता चल जाता है तो सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। मैं आप क्या बोला गया कि कोई भी मोबाइल जो एसेट हो और उसके बारे में आपने आईटी डिपार्टमेंट को आपने नहीं बोला, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख तक चलेगा। मैं 20 लाख से यदि ज़्यादा आप ले जा रहे हो कोई सामान बाहर, तो आपको आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा ले जा रहे हो, इसका मतलब आप यू हैव गुड अमाउंट, ह्यूज इनकम है, तो पहले दो अपना टैक्स एंड देन ले जाओ। समझ गए ना ये बदलाव। एंड यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो स्टूडेंट, ये चीज़ तुमको मज़ा आएगा, लास्ट पेज में पहुँच गए हम लोग, यहाँ तुमको समझना पड़ेगा बढ़िया से, हालांकि बहुत छोटा पेज है, इसमें बहुत सारा दुनिया भर का चीज़ है। अब इस बार का जो का टैक्स, ये न्यू टैक्स रिजिम है, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम अलग होगा, कोई ओल्ड टैक्स रिजिम से भी आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने दोनों के लिए, मगर अधिकतर लोग क्या है कि न्यू टैक्स रिजिम में आ रहे हैं। तो ये न्यू टैक्स रिजिम में देखोगे, जो 3 लाख से नीचे कमा रहे हैं उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, समझे विद्यार्थी लोग, उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 से लेकर 7 लाख कमा रहे हैं उसको, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 5% टैक्स लगेगा उसके ऊपर, सरकार काट लेगी। समझ गए? 7 से लेकर 10 लाख कोई सालाना कमा रहा है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख कमा रहा है प्रत्येक साल तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख कहोगे तो 20% है, और 50 लाख से ऊपर कोई कमा रहा है तो उसके ऊपर 30% लगेगा। बढ़िया सुनना जो बोल रहे हैं। अब इसमें तुमको एक दो चीज़ और समझना है कि 3 लाख से आप ऊपर कमा रहे हो तो आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा ना, वही रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। मगर यदि आप साल में 7 ही लाख कमा रहे हो, 7 लाख से नीचे कमा रहे हो तो 7 लाख से नीचे कमा रहे हो और 3 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 3 लाख से ऊपर कमाओगे तो ऑब्वियसली तुमको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। मगर तुम्हारा जो साल का जो सालाना जो है अब 7 लाख तक ही है, तो जो भी पैसा पे कर रहे हो तुमको रिबेट हो जाएगा, डोंट वरी, वो रिबेट हो जाएगा। 7 लाख तक लिमिट है, 7 लाख तक लिमिट है, समझे, इससे पहले 7.5 लाख था, 7 लाख तक लिमिट है, समझ में आ गया, रिबेट हो जाएगा। हालांकि 3 लाख से ऊपर कमा रहे हो टैक्स देना पड़ेगा, मैं यदि ओवरऑल साल में तुम 7 लाख कमा रहे हो तो जो भी टैक्स दिया वो तुमको रिबेट हो जाएगा, रिटर्न्स हो जाएगा। आया समझ में? ये सो सिंपल। दूसरा देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब यहाँ पे समझो, जो टैक्स लगता है बच्चे लोग तो टैक्स पूरे पे नहीं लगता है। जैसे एग्जांपल देखो, पहले 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरी एम्प्लॉयज़ का, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इससे, लेट से तुम्हारा सालाना 5 लाख कमाई होता है, 5 लाख, यहाँ पे सुनो अच्छे से, 5 लाख का कमाई होता है, तो 5 लाख में तुम 75,000 हटा दो, कितना हुआ, 4,25,000, तो 4,25,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा, 75,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो उस पर लगता ही नहीं है, डेट इज कॉल स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले कितना रकम था ये, 50,000 था, अब कितना हो गया तुम्हारा, 75,000 हो गया, यानी कि आप भले 1 करोड़ कमा रहे हो, लेट्स आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो 75,000 अलग कर दो, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट हुआ उस हिसाब से ऊपर टैक्स लगेगा आपके ऊपर, तो 75,000 हटाया जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। यदि आप 10 लाख भी कमा रहे हो तो 75,000 हटा दो तो कितना हुआ, 9,25,000, उसके ऊपर आप किस टैक्स स्लैब में आ जाओगे, 7 to 10 में आ जाओगे ना, लग जाएगा आपको 10%। समझ गए ना बात को? हाँ, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि इसके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। सिमिलरली
स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम फैमिली पेंशन का वो भी देख सकते हो, फिर पेंशनर्स का भी देख सकते हो, इसको भी बढ़ा के 15,000 से 25,000 कर दिया गया। तो यानी कि किसी को 25,000 मिलता है तो उसके ऊपर ज़्यादा मिलता है तब कटेगा, इसके ऊपर नहीं कटेगा। यानी कि 25,000 तक उसको यदि मिलता है तो पैसा नहीं कटने जा रहा है। पहले कितना था ये प्रपोजल? 15,000 था। आया समझ में? यदि किसी पेंशनर को, बच्चे लोग समझो, किसी पेंशनर को 25,000 से ज़्यादा आता है तो 25,000, मान लो कि 50,000 आ गया, लाइक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, 50,000 आ गया, आता है ना, जो ओल्ड टैक्स वाले जो होंगे, जिसको मिलता होगा पहले वाला जो पेंशन स्कीम है वो मिलता होगा, तो किसी को 50,000 आ रहा है तो 50,000 में 25,000 अलग कर दिएगा, 25,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पे भी है। हाँ, इससे फ़ायदा क्या होगा कि 50,000 से आप 75,000 कर दिए, 15,000 से आप 25,000 कर दिए, इससे फ़ायदा ये होगा एज़ पर द गवर्नमेंट कि 4 करोड़ सैलरी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर को फ़ायदा होने जा रहा है इससे, क्योंकि उसका पैसा बहुत ही बचेगा। सही बात है ना, पहले 50,000 आप काटते थे, अब उसमें ऐड करके 25,000 और तुम उसमें 25,000 जोड़ के 75,000 अलग कर लोगे, तो बहुत सारे एम्प्लॉयड क्लास को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स लगने वाला नहीं है। सेम फॉर द पेंशनर ऑल्सो, समझ गए ना? तो सरकार ने कहा कि ये जो परिवर्तन लाए हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो इससे कम से कम न्यू टैक्स रिजिम में जो चल रहा है, एम्प्लॉयज़ लोग जो अपने आप को अवेल किया है न्यू टैक्स रिजिम में, उससे क्या होगा कि वो लगभग 17,500 अपना इनकम टैक्स बचा पाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तुम लोग को। तो यस, वी हैव कम्प्लीटेड द यूनियन बजट, कम्प्लीट हो चुका है यूनियन बजट।